नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबको आपके चैनल लेटेस्ट न्यूज़ में। तो फाइनली आज मैं आप सबके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूं MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी के लिए। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आप कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 100% गारंटी के साथ मैं आपको बताऊंगा, आप आसानी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। बस मैं जैसे जैसे बताऊंगा आपको पूरा वीडियो देख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं BA, BCOM, BSc, MCOM, MA, ETC, मतलब किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट हैं अपना एडमिट कार्ड MJPRU यूनिवर्सिटी के बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी के अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बस आप सबको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहना है ताकि आप सब सही से समझ के डाउनलोड कर सके। तो मैं आपको बता दूँ आपको फर्स्टली क्या करना है, अपने गूगल या क्रोमो पे आ जाना है। जैसे आप गूगल पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं MJPRU एडमिट कार्ड 2021 बाई नेम, आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाला आइकन है MJPRU एडमिट कार्ड 2021 बाई नेम लिंक MJPRU.ac.in BA BSc BCOM MA, तो आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको आइकन शो करेगा, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे चले जाना है। जैसे जैसे मैं आपको जाऊँगा यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसी प्रकार नीचे चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड ऐसा आइकन आपको शो करेगा, तो आपको यहीं पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक हियर पे ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म नंबर आपको पूछेगा। तो अगर आपके पास फॉर्म नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना फॉर्म नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको अपना कॉलेज नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस भी कॉलेज के रहिएगा आपको सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको कोर्सेज सेलेक्ट कर लेने हैं, जैसे BA, BSc, BCOM, BTC, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब आप जिस भी ईयर के रहिएगा और जिस कैटेगरी के कोर्सेज के रहिएगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं BA फर्स्ट ईयर का सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको मेल या जेंडर, मेल या फीमेल, कुछ भी जो आपका जेंडर रहेगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेल का सेलेक्ट करके बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर करते हैं तो आपको कैंडिडेट नेम, आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम आपको डाल देना। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विकास करके डाल देता हूँ, विकास यादव। मैं यहाँ पे डालने के बाद, ये नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर आएगा, कैप्चर आपको सही से डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको वैसे कैप्चर अपना डाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसी प्रकार से कैप्चर डालना है ताकि आप सब सही से आपका फ़ोन नंबर मिल सके। डालने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं किसी बच्चे का नहीं देख रहा था, मैं वैसे में चेक कर रहा था। तो आपका जो रियल नेम रहेगा आपको वही डालना है ताकि आपका आपका एडमिट कार्ड आ सके। तो वही एडमिट कार्ड आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूँ, वही एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर डालना है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको यहीं पर आपको वही फॉर्म नंबर जो आपके पास आएगा आपको यहीं पर डाल देना है। यहाँ पर डालने के बाद मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको फिर से कैप्चर डाल लेना है। कैप्चर डालने के बाद आपको, जैसे आप कैप्चर डाल लेते हैं, मैं आपको बता दूँ, जैसे आप कैप्चर डाल लेते हैं, कैप्चर डालने के बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। मैं आपको एक बार फिर से डाल के मैं बता देता हूँ ताकि आप सबको कोई भी दुविधा हो, आप लोग परेशान ना हो सके। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर डालते हैं, डालने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन पे आ जाएगा, आपको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो जय हिंद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो लाइक करना। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में कोई दिक्कत आते हैं, कोई इशू आते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, मैं आपको प्रॉपर गाइड करके मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करा दूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिल लेंगे अगले वीडियो में। कोई न्यूज़ आएगा तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। तो जय हिंद, नमस्कार।